हेलो वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद विवेक में, जहां मिलेगी आपको एक्यूरेसी के हिसाब से कंफर्म न्यूज़ भी। बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक देश ने अनाउंस कर दिया कि वो 40 देशों के लिए जल्द भेजेगी फ्लाइट, साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट की एक बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है, साथ ही आप सभी के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट भी बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल पर अगर पहली बार पता रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि इन फ्यूचर हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ जारी हो चुकी है सभी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से देश ने अनाउंस कर दिया कि वो 40 देशों के लिए जल्द भेजेगी फ्लाइट। यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें कि बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। यहाँ पर बता दें आपको कि तुर्की एयरलाइंस ने घोषणा कर दी है कि वो जल्द ही 40 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करेगी, और ये जानकारी हमें ट्विटर हैंडल पर कंपनी के CEO बिलाल अक्षी ने दी है बुधवार को। जी हाँ, उन्होंने बताया कि 40 देशों के लिए जल्द ही भरेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, उसमें इंडिया का नाम भी आ सकता है। जी हाँ, इंडिया का नाम भी आ सकता है, क्योंकि करंटली में हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया था कि आगे से परमिशन मिल रही है तो हम फ्लाइटें भेजेंगे और लाइनें भी देंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर परमिशन हरदीप सिंह पुरी तो 101% देंगे, तो बेसिकली जो फ्लाइटें हैं बाहर की यानी तुर्की की है वो इंडिया में आएगी, जो भी तुर्की के देशों में फंसे हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। आप सभी के लिए बेहद बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें कब से चलेगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो 15 जून है उसमें कुछ हद तक फ्लाइटें चलेगी, जिसमें दुबई सबसे पहले आ रहा है। दुबई के लिए फ्लाइटें 15 जून को है, और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं कभी भी बता सकता हूं, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है तब। अब बात करते हैं डोमेस्टिक खबरों की, और तो डोमेस्टिक की जो बड़ी अपडेट आ रही है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जहां कुछ राज्यों में सरकार ने लॉकडाउन वापस बढ़ा दिया है, यानी जो अनलॉक किए थे जिसके कारण कोरोना के मामले बढ़ गए थे, जिसको देखते हुए यहां पर कुछ राज्यों ने वापस लॉकडाउन कर दिया, जिसके तहत अब उम्मीद थी जितनी की फ्लाइटें ओपन कर दी जाएगी डोमेस्टिक, तो वो उम्मीद टूटती जा रही है बेसिकली। तो ये बैड न्यूज़ थी, जितनी भी गुड न्यूज़ वो भी बता दी और बैड न्यूज़ वो भी बता दी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बैड न्यूज़ यही है कि अभी के लिए फ़िलहाल डोमेस्टिक फ़्लाइट एक भी नहीं चलेगी, लगभग जितनी चल रही है उनको भी रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो अनलॉक हुआ था जिसके कारण बढ़ रहे हैं। साथ ही अब बात करते हैं कि यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें बताया था कि जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको जो 7 दिन का क्वारंटीन करना था अब वो 14 डेज का होगा। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि पल पल की एविएशन की अपडेट आपको मिलती रहे।